हेलो हेलो एवरीवन। सही बोला जाता है कि गुड बाइज आर ऑलवेज वेरी डिफ़िकल्ट, एंड स्पेशली जब आपके दोनों बच्चे से आप जुदा हो रहे हों तो बहुत ही ज़्यादा फील होता है। इमोशनल, यू नो, यू फील इमोशनली सो वीक दैट टाइम। बट जाना है वापस इंडिया और मेरा 3.5 मंथ्स का सफ़र यहाँ पे अब पूरा हुआ। सो मैंने कहा आपसे इस बार मैं शेयर करूं अपना फर्स्ट टाइम आई फ्लू बिजनेस क्लास, जो अभी तक मैंने कभी फ्लाई नहीं किया था, एंड आई वांटेड टू शेयर द एक्सपीरियंस विद यू ऑल। सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एंड आई विल गिव 5 out of 5 फॉर द एक्सपीरियंस, एंड आई ट्रेवल्ड बाय एयर इंडिया। सबसे बेस्ट पार्ट लगी कि यू नो बिजनेस क्लास जो सीट्स हैं दे आर वेरी स्पेशियस, द एरिया इज़ वेरी स्पेशियस, काफ़ी आराम से आप कंफर्टेबली बैठते हैं। सो इतना रश नहीं था इसमें, मैंने देखा था बिजनेस क्लास में। द एयर होस्टेसेस वर वेरी नाइस, दे वर एवर स्माइलिंग, एंड अगर हम कुछ पूछ रहे थे तो दे वर ऑलवेज हेल्पिंग अस आउट। सो दिस इज़ द स्मॉल वॉशरूम टॉयलेट इनसाइड फॉर द बिजनेस क्लास, और ये पेंट्री है, सीट्स हैं, काफ़ी एरिया एज आई टोल्ड यू होता है तो आप आराम से घूम सकते हैं। वी वर गिवन अ बार मेन्यू, एंड हम सिलेक्ट करने के लिए कुछ भी पीना है हमने तो, और ये बहुत ही अच्छा पाउच में दे हैड बॉडी लोशन, हैंड क्रीम फॉर अस फ्रॉम अ वेरी ब्रांडेड कंपनी, एंड उसमें सॉक्स थी, एंड आपके जो अगर आप सोना चाहते हैं उसके लिए एक बहुत ही अच्छा आई मास्क भी था। सो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे एक्स्ट्रा और अच्छी लगी बिजनेस क्लास में। लेग स्पेस बहुत ही अच्छा था, खूब खुली सीट्स थी तो आराम से बैठ सकते हैं, आराम से बैठे हुए थे हम लोग, और खूब मैं तो इतनी एक्साइटेड थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो यू कैन इमेजिन, यू नो, एक्साइटमेंट एक्स्ट्रा ही होती है। स्पेशली आई हैव सीन दैट अगर आप बिजनेस क्लास ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत, बिकॉज यू नो द टिकट्स आर ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव, तो काफ़ी पर्क्स हैं अच्छे। और ये यहाँ पे हमारा प्लेन स्टार्ट हो गया, एंड वी वर इन अ मोमेंट इन द स्काई, और बाय बाय टू टोरंटो, यू वर रियली गुड, आई रियली हैड अ ग्रेट टाइम एज ऑलवेज, समर्स आर टू गुड इन कैनेडा। सो शी वॉज द एयर होस्टेस वॉज वेरी स्वीट, वो आगे उसने पूछा कि आप लोग क्या खाएंगे, हमारी प्रेफरेंसेस वेज नॉन वेज और वॉट एवर वी वॉन्ट फॉर द लंच एंड फॉर द स्नैक्स। सो हमने अपना ऑर्डर दे दिया, एंड मैंने चेंज कर लिए, अपना कंफर्टेबल स्लीपर्स पहन लिए। As I told you, for the snack, we got salmon and cold soup was there, which was okay, decent khane mein. Uske baad hume lunch serve kiya gaya, usme I had ordered non-veg, so hume butter chicken tha, rice tha, though the vegetable was not that great, but otherwise it was okay, curd achha tha, chapati was also okay. And best part was the dessert, जिसमें हमें गुलाब जामुन मूज मिला, एंड देन माय यू नो द गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू मी टेंजी, शी गॉट सेम विंगा बिकॉज शी वाज वेजिटेरियन, एंड ऑफ कोर्स विद दैट वी द ड्रिंक्स दैट वी हैड ऑर्डर्ड हमें वो भी मिला, और खूब हमने खुला बैठ के अच्छे से इंजॉय किया। चीयर्स टू बिजनेस क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम, वी हैड रियली गुड टाइम। एज हम लोग काफ़ी जल्दी चले थे, लाइक यू नो 8-9 o'clock तो हमें एयरपोर्ट पहुँचना था, सो वी वर प्रीटी टायर्ड, सो आफ्टर ईटिंग सो मच वी हैड थॉट ऑफ हैविंग अ नैप। सो सीट्स बड़ी कंफर्टेबल लगी मुझे पूरी, आप यू नो पूरी पीछे हो जाती हैं एंड इट बिकम्स अ बेड।
होस्टेस आती है वो आपको बेडिंग भी आपका इफ़ यू वांट लगा के जाएगी। एंड उसमें हमें एक बेडशीट मिली थी, एंड देन ऊपर क्विल्ट मिला था, सॉक्स, ठंड थी तो सॉक्स भी मिले थे तो हमने सॉक्स भी पहन लिए थे। क्या आपको भी मेरे जैसे चेक करना कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ एयरप्लेन जा रहा है देखना अच्छा लगता है? इफ़ येस डू कमेंट एंड गिव अ लाइक। सो यू नो बड़ा अच्छा लगता है मुझे देख के कहाँ पे पहुँचे हैं, कितना ट्रेवल कर लिया है और कितना बचा है। सो आफ्टर लॉट ऑफ क्लिकिंग वीडियोज़ एंड पिक्चर्स तो हम सो गए, एंड उसके बाद में इन द इवनिंग वी गॉट इवनिंग स्नैक्स। इट वॉज स्नैक टाइम, सो आई गॉट चिकन एंड सैलड वॉज देयर। सैलड समहाउ आई डोंट नो वाई इट वॉज इन दैट ग्रेट, बट चिकन वॉज टेंडर एंड इट वॉज नाइस, सो आई रियली इन्जॉय इट। एंड आई आस्क फॉर ऑरेंज जूस विद दिस एंड दे वर वेरी नाइस, दे गेव इट। द बेस्ट पार्ट इज़ यू नो द एयर होस्टेस नॉर्मली कम्स एंड शी पुट्स ऑन अ नैपकिन ऑन द ऑन योर टेबल एंड देन शी गेट्स द ट्रे विद योर फूड। और कहीं पे सनसेट हो रहा है और कहीं पे सनराइज़, देखिए कितना खूबसूरत सनराइज़ हो रहा है। वी वर फ्लाइंग क्लोज़र टू रशिया दैट टाइम। अनदर आई थिंक 4-5 आवर्स वर लेफ्ट टू रीच न्यू दिल्ली। सो उसके बाद बिफोर यू नो वी वर अबाउट टू रीच, हमें सैंडविचेस अगेन मिले एंड प्रेफरेंस वॉज नॉन वेज और वेज, एंड देर वॉज अ स्मॉल काठी रोल ऑल्सो, सो विच वॉज डिसेंट। एंड ऐसा नहीं लगा कि हमें भूख लगी है या कुछ मिल नहीं रहा, सो दैट वे दे वर वेरी नाइस। खाना बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इट वॉज़ अ कम्फर्टेबल फ्लाइट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़ीरो आई मस्ट से हैसल। सो आई वॉज क्वाइट ओके हैप्पी विद एयर इंडिया, आई रियली इन्जॉय इट। एंड बोथ ऑफ अस वर हैड अ रियली नाइस टाइम, खूब बातें की, यंगस्टर्स से बात करके पता लगता है उनके नए विचार, नई एक्साइटमेंट, पॉजिटिविटी, सो आई हैड अ नाइस टाइम। सो दिस वॉज टाइम अगेन टच डाउन दिल्ली नाउ। फ्लाइट बहुत ही स्मूथली टच डाउन किया, नॉट ए प्रॉब्लम। इस बार मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि दिल्ली ऊपर से देख रहे थे तो बहुत ही ग्रीन लग रहा था, जो नॉर्मली हमें अगर हम जाते हैं सिंगापुर एंड थाईलैंड एंड ऑल, वहाँ जैसे ग्रीनरी रखती है वैसे ही मुझे ग्रीनरी बहुत अच्छी लगी। आई बिलीव इट रेन्ड अ लॉट हियर। सो बैक टू द पवेलियन, इट वॉज नाइस, आई वॉज हैप्पी एंड थम्स अप एंड 7/5 out of 5 फ्रॉम माई साइड टू एयर इंडिया। ये हमें याद दिलाता है हमारा देश महान। इमिग्रेशन ओवर हियर वॉज वेरी स्मूथ एंड फास्ट, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।